मेकिंग अ यूट्यूब थंबनेल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उसके लिए एक अच्छी और एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ढूंढना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जिसको आप लोग जानते भी होंगे पर आपको ये नहीं पता होगा कि आप इससे थंबनेल भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी पूरे वीडियो में कि आप इसमें कैसे बहुत ही आसानी से अपने किसी भी थंबनेल को बना सकते हैं। Hey guys, this is me Kajal Pandey and welcome back to my channel Curiosity where we answers to all your curiosities. So without wasting my and your time, let's get started. All you know this PixArt app, वहाँ पे जाके आपको इस plus icon पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है background icon पे जहाँ पे आपको different background देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी सर्च करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, YouTube thumbnail सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको देखिए कितने ढेर सारे templates मिल रहे हैं और designs मिल रही है, बहुत ढेर सारे स्टिकर्स, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे आर्टिस्ट हैं जो आपको थंबनेल वंबनेल बना के देते हैं। तो ये आपने देख लिया, उसके बाद आप फिर इस प्लस आइकन पे जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, एक सेलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड। सिंपल बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है यहाँ पे मैंने, जिसका कलर मैंने लिया है येलो कलर का। उसके बाद आपको जाके क्रॉप आइकन पे उसको क्रॉप कर देना है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स का आइकन मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे ढेर सारे। मैंने यहाँ पे PixArt का लोगो का स्टिकर ढूंढने की कोशिश की है तो मुझे ढेर सारे स्टिकर्स मिल गए, और यहाँ पे मैंने कोई भी स्टिकर सेलेक्ट कर लेना है जो मुझे अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे स्टिकर्स मिलेंगे, माई गॉड दे आर प्रोवाइडिंग अस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टिकर्स। सो कोई भी स्टिकर आपको अच्छा लग रहा हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। Let me select one sticker for my YouTube thumbnail. मैंने YouTube thumbnail बनाना है, that how to make a YouTube thumbnail with using PixArt. तो मुझे PixArt के लोगो की तो ज़रूरत होगी, तो मैंने PixArt का लोगो ले लिया, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया। क्रॉप करके उसको YouTube thumbnail के फॉन्ट में ले आइएगा, वरना फिर आपका YouTube thumbnail पे आएगा नहीं साइज़। साइज़ अलॉट कर दीजिएगा उसको, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको क्रॉप क्रॉप कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट पे जाके कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी लिखना है, डिफरेंट फॉन्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको लिखना। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है हाउ टू मेक अ यूट्यूब, अगर आपको अलग अलग फॉन्ट चाहिए तो थोड़ा थोड़ा लिखा करिए, जैसे मैंने यहाँ पर हाउ टू लिखा, उसके बाद मैंने उसको डिफरेंट फॉन्ट दे देना है। मैं यहाँ पे गई, मैंने देखा कि आपको यहाँ पे कलर, टेक्सचर और ग्रेडियंट तीनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्ट्रोक का, और सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं किस तरीके का फॉन्ट हो सकता है। आप चेंज कर सकते हैं टेक्सचर, आप स्ट्रोक डाल सकते हैं, आप ग्रेडियंट डाल सकते हैं, आप कोई भी तरह का इफ़ेक्ट इसमें डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट में। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाता है, आप उसको भी चेंज करके देख सकते हैं। अब मैंने चेंज कर लिया है, उसके बाद मुझे अब आगे का लिखना है, तो मैंने हाउ टू लिखा, उसका मैंने डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, अब मुझे लिखना है आगे हाउ टू मेक, तो मैंने हाउ टू मेक एक चीज़ आधी आधी लिखी है ताकि आपका फॉन्ट स्टाइल अलग आए और आपका अलग अलग टेक्स्चर आए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। क्योंकि YouTube में थंबनेल बनाना सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे क्लिक रेट नहीं आई और ऐसे कलर यूज़ किया करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक नोट ऑफ दैट, ठीक है, कि अगर आपके क्लिक रेट अच्छी नहीं आई, मतलब अगर आपने अच्छा कलर नहीं लगाया तो आपका वहाँ पे क्लिक रेट ही नहीं आती है, ठीक है। तो आप ऐसे कलर लीजिए जिसकी क्लिक रेट ज़्यादा हो, अगर आप उसमें टेक्स्चर वेक्स्चर डाल रहे हैं, स्ट्रोक डाल रहे हैं, सब कुछ डाल के देख लीजिए, पर क्लिक रेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कलर्स लीजिए जैसे येलो हो गया, पिंक हो गया, लाइट पिंक्स, ठीक है, वो सारे कलर्स की क्लिक रेट बहुत अच्छी होती है, तो हमेशा उन्हीं कलर्स को लीजिए जिसकी क्लिक रेट ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक थंबनेल मुझे लिखना है, पूरा लिखना है ना आपको टेक्स्ट, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो आप पूरा टेक्स्ट लिखिए उसको, फिर अलग वही चीज़ आप रिपीट करेंगे, आपको क्या करना है वही चीज़ रिपीट करना है, आपको टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्चर चेंज करना है, ग्रेडियंट डालना है डाल दो, अगर आपको कुछ अलग स्टाइल, ये देखिए ग्रेडियंट और टेक्स्चर में कितने अच्छे अच्छे टेक्स्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ भी करना है इस टेक्स्ट के साथ आप कर सकते हो, मतलब जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए रहे हैं उसमें से।
स्ट्रोक डालना है डाल दो, मैंने अभी ऊपर वाले में हाउ टू मेक में स्ट्रोक डालना सिखाया है, देखिए आप तो ये लिख गया। ओके अमाउंट मतलब आपको कितना चाहिए, साइज़ वाइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंगली, सब चेंज करके देख लो कि किस तरीके से बैठ रहा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप क्या चीज़ देख के क्लिक मारोगे उस हिसाब से अपना थंबनेल बनाया करो, कि आप मारोगे इसको देख के क्लिक, उस पर क्लिक करोगे कि नहीं करोगे उस हिसाब से थंबनेल बनाया करो। अगर आपको अपना थंबनेल ही नहीं अच्छा लगेगा तो फिर बाकी लोगों को कैसा लगेगा, ठीक है। तो अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। यूजिंग पिक्सआर्ट ये हमारा लास्ट वाला टेक्स्ट है, हमने इसको अलग, अब देखिए अलग अलग टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अलग अलग टेक्स्चर अलग अलग ग्रेडियंट डाल दिया वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। हमेशा कलर्स ऐसे लो कि बैकग्राउंड से तुम्हारे थोड़ा उभर कर आएँ। इस पर टेक्स्चर वेक्स्चर डाल दिया मैंने, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा सादा सादा लग रहा है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको स्टिकर पे जाना है, सॉरी स्टिकर पे गए, डिस्कवर में जाके ऊपर सर्च बार है उसमें जाकर आपको जो सा स्टिकर लगाना है आप लगा सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो। अभी मेरे को चाहिए एक YouTube का स्टिकर लोगो, जो ही नहीं होता YouTube का लोगो, सब्सक्राइब वब्सक्राइब लिख कर आता है उसमें, वो देख लीजिए। बहुत ढेर सारे स्टिकर्स मिलते हैं यहाँ पे। अब पिक्सआर्ट को आप लोग फ़ोटो के को एडिट करने के लिए जानते हैं, बट मेकिंग अ YouTube थंबनेल दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव ऐप, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपने यूज़ कर लिया स्टिकर्स, देख लीजिए कि कहाँ आपका खाली जगह भरो होता था ना, तो उसको खाली जगह को भरो, अब जहाँ पे आपको खाली लग रहा है वहाँ पे आप इसको डाल दो। ओके फिर अलग स्टिकर आपको लेना है। मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता रही हूँ कि मैंने इसको एक एक चीज़ को कैसे बनाया है, एक एक चीज़ को कैसे लगाया है। लाइक सब्सक्राइब और YouTube का लोगो, पिक्सआर्ट का लोगो, किसी भी चीज़ का, Instagram का लोगो, आपको सारे स्टिकर्स यहाँ पे मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि सारे स्टिकर्स बिल्कुल फ्री हैं। अदर ऐप्स में आपको स्टिकर्स प्रो वर्जन को अनलॉक करने के बाद मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको स्टिकर्स जो होंगे वो बिल्कुल मुफ्त मिल रहे हैं। तो यूज़ इट, डालिए आपको जो भी स्टिकर्स डालने हैं वो आपने स्टिकर्स डाल दिए। चैट की सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली सेट हो गई हैं कि नहीं, चीज़ें सेट कर ली, उसके बाद आपको करना है सेव। फ्री टू एडिट का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ पिक्सआर्ट पर डाली तो कोई भी और आके आपकी चीज़ को एडिट कर सकता है, ठीक है। तो अगर करना है तो कर दो, नहीं तो बाकी चीज़ें करके इसको सेव कर दो। सेव कर दिया, उसके बाद आप जाओ गैलरी में, उसको डन कर दो। ये हो गया डन। अब मैंने यहाँ पे एक और चेंज किया था, वो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे लोगो लगाया था अपना खुद का, अपने चैनल का, और यूट्यूब का लोगो लगाया था। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई आर चैनल। अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर देना यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दो। और अगर ये इफ़ेक्टिव लगा हो तो मुझे बताओ कि आपने पिक्सआर्ट को और कैसे कैसे यूज़ किया है। मैंने थंबनेल के लिए यूज़ किया है, मैं फ़ोटो एडिटेशन के भी उसको ही यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे मैंने थंबनेल के लिए भी यूज़ किया। आप मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगैन, थैंक्स अ लॉट।